नवे मोड़ हल्का पीपी 202 मलक नुमान लंगड़ियाल इस वक्त जलसागाह की तरफ रवा दवा है, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लंगड़ियाल साहब, आपने तो जलसे से पहले ही जलसा क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप इस चीज़ की गवाही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ ये कौम कितना मोहब्बत करती है, और ये लोग अपने शौक से, अपनी मोहब्बत से अपने कायद को मिलने आए हैं, और आप इनका जोश और जज्बा देख रहे हैं, और ये इस चीज़ की बोलती दलील है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की सबसे हरदिल अजीज़ पार्टी है, और इसके जो कायदीन हैं वो पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं। मजमा देख के लगता है कि आप तकरीबन जीत गए हालात देख, लेकिन मलक नुमान लंगड़ियाल अपने जो हल्के के लोग हैं उनके समाजी मुआशी और मुआशरती हवाले से अगले 10 सालों में क्या प्लान लेके आ रहे हैं कि वो यहाँ के लोग समझे कि मलक नुमान लंगड़ियाल ही असल में उनका असल नुमाइंदा है? देखिए, मैं बताऊँ कि ये जो सारा आप आवाम देख रहे हैं ये मलक नुमान लंगड़ियाल के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान की खुशहाली और उसकी तरक्की के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो PTI की हुकूमत ने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है, उसको इस हद तक ज़र्ब पहुँचाई है, उसका ये अजाला करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये अजाले में ही इंशाल्लाह ताला नून लीग को वोट दे के कामयाब करेंगे। जब कुछ नहीं बना तो उन्होंने साजिश थ्योरी की, आपके ख्याल में क्या ऐसा ही है? देखें, आज पूरी कौम देख रही है कि वो शख्स हर बात में झूठ बोलता है। उसने ना सिर्फ पाकिस्तान कौम को सब्ज़ बाग दिखा के और अपनी वज़ारती उज़्मा के लिए उसने हर वो खेल खेला जिसका मैं समझता हूँ इस कौम को बहुत नुकसान हुआ, और वो इस हद तक पाकिस्तान मईशत में बुरी तरह गिर गया कि अब अल्लाह के फजल करम से मैं दुआ करता हूँ कि हमारी नून लीग की हुकूमत इसको ऊपर उठाए और एक आम आदमी को। 2023 के बाद मलक नुमान लंगड़ियाल हल्का पीपी 202 में क्या क्या काम करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह ताला जो हमारा देहाती हल्का है उसकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि शहरी सहूलियात हमारे गाँव में पहुँचें, क्योंकि ये जो हिजरत का सिलसिला है, लोग गाँव से उठ के शहरों की तरफ रुख करते हैं, उनको वो सहूलियात यहाँ पर मिलें और वो शहरों की बजाय अपने गांव में रहना पसंद करें। बहुत शुक्रिया। नुमान लंगड़ियाल के तर्जमान मेरे साथ मौजूद हैं। जी जी, मलिक रियाज बोल रहा हूँ जी। मलिक नुमान साहब का मैं नुमाइंदा हूँ, और इंशाल्लाह मलिक नुमान जो है जनाब, इंशाल्लाह 17 तारीख को ये जो दरिया समुंदर और ठाठा मारते हुए आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह हम नून लीग को कामयाब कराएंगे, और इंशाल्लाह भी नून लीग कामयाब होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। नुमान लीग। कुछ और लोग मौजूद हैं।